मेरे प्यारे दोस्तों, किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे वो वजन घटाना हो, पढ़ाई करना हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो, कोई स्क्रिप्ट लिखना हो, कोई वीडियो बनानी हो, जिसे देखकर आश्चर्यजनक सुधार आ जाए और लोग अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लें, वाह क्या सफलता है। पर ऐसा आसान होता नहीं। साधारणतः 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। आम तौर पे 1% सुधार का मतलब होता नेग्लिजिबल, कोई सुधार नहीं है, कई बार तो यह नजर ही नहीं आता। लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है, खास तौर पर लंबे समय में। लंबे समय में बहुत छोटा सुधार आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। कुछ इसको ऐसा समझें, अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। और इसके विपरीत, अगर आप साल भर तक हर एक दिन 1% खराब बनते हैं, बुरी आदतें अपनाते हैं, तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं, यानी 0 होने की कोशिश, 0 तो नहीं पर 0 के आसपास पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होता है, वह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। मेरे दोस्तों, आदतें एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से होता है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते हैं। 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद आप पलट कर देखेंगे कि आपकी आदतों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये आदतें आपकी अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप करोड़पति नहीं बन जाते। अगर आप लगातार 3 दिन तक जिम जाते हो तो उससे आप फिट नहीं हो जाते हो। 4 वीडियो डालकर आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर आप आज रात 1 घंटे तक कोई चीज़ सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अभी ही सीख जाएंगे। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदतें भी आसानी से पड़ जाती हैं। अगर आप आज कुछ खराब चीज़ खा लेते हैं तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आज टालमटोल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिले करते हैं, तो आपको आपके पास उसको पूरा करने के लिए बहुत समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब नीतियों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तरसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणाम बदल देते हैं। यह कई कदम इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बुरी आदतें आपके पल्ले पड़ जाए तो आपके परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या 1% बदतर कोई भी कार्य आपको महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करता है। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, यह तो दैनिक आदतों का ही परिणाम है। अगर आप डेली कोई काम करते हैं
अपनी आदत को बना लेते हैं तो वही आपके अच्छे और बुरे परिणाम को देगा। यह मायने कतई नहीं रखता है कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल हैं। मायने तो यह रखता है कि आपकी आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणामों के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप एक करोड़पति हैं लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत कतई अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है लेकिन आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, यानी आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं भले ही आप अपनी उम्मीदों से धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके परिणाम आपकी आदतों के वो पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपके नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका वजन आपके खान पान की आदतों का पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीख की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपके टेबल की अव्यवस्था आपकी साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। अगर आप YouTube पर भी सफल होना चाहते हैं तो ये भी अपने आप को आदत में लाना होगा कि आप लगातार वीडियो डालते जाएं। माना आपके व्यूज कम है पर अंतर्गत कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब आप लगातार आप किसी ट्रैक पर चल रहे हैं, आप एक टाइम इंटरवल पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये 1% सुधार आपको जरूर कहीं ना कहीं सफलता पर ले जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि इस तरह की और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आपको जल्दी से मिलें, नोटिफिकेशन जल्दी से मिले और आप उसको अच्छे से देख पाएं और अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ें। आप सभी के लिए ये वीडियो कैसी है, कैसा आपको लगा, इससे क्या सीखने को मिला, अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। आपके कमेंट्स हमारे वीडियो को अच्छा बनाने में सहायता करेंगे। थैंक यू।